गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं शोभा आप सबों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल शोभा कुमारी देसी ब्लॉग में। तो मेरी दिन की शुरुआत हो जाती है बेड को क्लीन करने से, क्योंकि इस रूम में बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ सुबह 6 बजे सर ट्यूशन वाले आते हैं। तो इस वजह से मैं सबसे पहले इस रूम को क्लीन कर लेती हूँ और साथ ही झाड़ू भी कर लेती हूँ, क्योंकि साथ में डस्टिंग भी मैं करते ही जाती हूँ। और जिधर जाले वगैरह रहते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत डस्ट और जाले होते हैं। और उसके बाद मैं दूसरे बेडरूम में आ जाती हूँ जहाँ हम लोग सोते हैं, तो यहाँ पे मैं और हमारे बच्चे सोते हैं, तो इस बेड को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म वगैरह किचन का सब साफ़ कर लेंगे, क्योंकि खाना बनाना से पहले क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद मैं साथ ही डस्टिंग भी करते चली जाऊँगी। तो यहाँ जब मेरे घर के अंदर डस्टिंग हो जाएगी तो फिर मैं बाहर के एरिया में चली जाऊँगी। उस जगह पे भी मैं सभी जगह क्लीन कर लूँगी। और ये मेरा घर का मेन डोर है, तो यहाँ भी मैं क्लीन करके धो वगैरह लूँगी, वॉश कर लूँगी। दोस्तों, मैं अब आ गई किचन में। तो रात में ही सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ, तो बच जाता है एक दूध का पतीला, क्योंकि हम लोग रात में सोने वक्त दूध पीते तो एक पतीला बच जाता है। तो अब मैं नाश्ता बना ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल गया है तो बच्चे 8 बजे स्कूल चले जाएँगे। तो अभी 7:30 बज रहा है, तो मेरा सब्जी भी बन गया है और मैं पराठे बना रही हूँ। तो मेरा नाश्ता बन गया फ्रेंड। और रोटी बनाने के बाद किचन काफ़ी गंदा हो जाता है, और आप जितने भी बर्तन वगैरह टच करो सारे गंदे हो जाते हैं। तो अब मैं सारे प्लेटफॉर्म में तेल के छींटे वगैरह गिर जाते हैं, तो मैं 1 से 2 दिन में इसे क्लीन कर लेती हूँ। तो ऐसे मैं नॉर्मली डेली पोछ ही लेती हूँ, मगर 1 से 2 दिन के अंदर मैं सारे डब्बों को पोछ लेती हूँ, क्योंकि इससे काम काफ़ी ईजी हो जाता है। और मेन काम रहता है मेरा गैस का चूल्हा साफ करने के लिए, तो मैं इसमें एक विम लिक्विड 1 से 2 ड्रॉप डाल के मैं इसे भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और मेन काम हो जाता है, फिर उसके बाद मैं नाश्ता का बर्तन ही भी वॉश कर लेती हूँ। उधर मैं चाय चढ़ा देती हूँ और तब तक इधर नाश्ता का बर्तन भी मैं वॉश कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मेरा घर काफ़ी पुराना है, इस वजह से सिंक अलग जगह पे लगा हुआ है, तो मैं जहाँ बर्तन रखती हूँ तो वहाँ भी क्लीन कर लेती हूँ। तो अब नाश्ता वाला बर्तन मैं सारा वॉश कर लूँगी, और साथ में ये बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ का जो भी वॉल है उसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। दिन में एक बार मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, तो साबुन के छींटे वगैरह जो पड़ते हैं वो साफ़ हो जाता है, और इससे काम बहुत ईजी रहता है और घर भी अच्छा लगता है देखने से। देखिए, हमारा किचन भी क्लीन हो गया, मैंने प्लेटफॉर्म साफ कर दिया। देखिए मेरी से, तो यहाँ पे भी मैं सब कुछ क्लीन कर ली हूँ और सब अरेंज भी हो गया है। तो मॉर्निंग में मैं ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ, तो 8:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया है क्लीनिंग का। सिर्फ अब पोछा लगाना है, तो मैं जस्ट पोछा लगाऊंगी। तो फ्रेंड, अब मेरा पोछा भी सभी जगह लग चुका है, और मैं जितने भी सामान होते हैं उनके नीचे भी इस तरह ही पोछा लगा के पी हूँ। तो अब मैं कपड़े वॉश कर लूँगी, तो काफ़ी सारा कपड़ा है, मैं सभी बच्चे नहाए हैं, सारा कपड़ा रखा हुआ है। तो अब मैं कपड़े भी वॉश कर लूँगी, और आज मुझे बाथरूम भी क्लीन करना है। Yeah, 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 y
ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन क्लीन वीडियो। तो हमारा पूजा वगैरह हो गया है और मैं नहा भी ली हूँ और सभी काम हो चुका है और मैं अब जा रही हूँ, कपड़े डालूँगी, ये मैं धोई हूँ और बाथरूम वगैरह भी सब क्लीन है। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।